मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएमवेली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी। क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड प्लस 2 शॉप्स रेडी होने पर है। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल है। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। आजाद नगर में मर्जिया पठान ने किया बोरिंग का उद्घाटन। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शनिवार 4 फरवरी को मुमरा बाईपास से सटे अमृत नगर के शिवाजी नगर परिसर के ऊपर पहाड़ का जो झोपड़पट्टी का इलाका है आजाद नगर में पानी की फिर से कुछ किल्लत होने लगी थी, और इसी किल्लत को दूर करने के लिए राष्ट्रवादी युवती की नेत्री मर्जिया पठान द्वारा यहाँ पर एक बोरिंग जो है वो स्थानीय लोगों के लिए खुदवा करके शुरू की गई, उसी का उद्घाटन किया गया। इस दौरान क्या कहा मर्जिया पठान ने, सुनिए। मर्जिया मैडम, आपने आज आजाद नगर में आकर यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा परेशानी की, उसी को देखते हुए यहाँ पर अपने उद्घाटन किया पानी का नल का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, बहुत ज्यादा परेशानी तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर पहले जो हालात थे यहाँ पर एक 10 साल पहले, उसके मुकाबले तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज्यादा राहत हो चुकी है। जो 10 साल पहले हालात थे उसमें तो आप पूछिए ही मत कि यहाँ पर पानी कब आता था कब नहीं आता था, क्योंकि हम भी मुमरा में पैदा हुए, मुमरा में बड़े हुए, तो हमको अच्छे से पता है ये चीज। अभी 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत और शिद्दत के साथ मेरे वालिद अशरफ शानू पठान के पूरे सहयोग के साथ यहाँ पर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें अच्छी हो चुकी, मेहनत हो चुकी है। बट स्टिल यू नो, यहाँ पर एवरी ईयर जो है पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, तो उसकी वजह से जो है पानी उनको नहीं पूर पाता है सही से। तो हम लोगों ने एक बोरिंग ऑलरेडी थी, पर और एक बोरिंग हमने यहाँ पर इसको सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से, ये मेरी दादी है इनके नाम पे ये ट्रस्ट है, तो हमने सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर बोरिंग की इब्तिदा की है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम लोग शिवाजी नगर जो ऐसे सारे जो थोड़े अपसाइड एरिया है ना, डोंगर के एरिया है जो थोड़े ऊपर है, वहाँ पर क्योंकि पानी की लाइन ऊपर जाती है तो उनको ठीक से पानी नहीं आ पाता, बहुत सारे रीजन है, मोटर लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो हम उनके लिए उनकी सुविधा के लिए शिवाजी नगर में और ऐसी जो जगह रहेंगी जो ऊपर रहेगी और जहाँ पे पानी नहीं आ रहा रहेगा वहाँ पर हम लोग बोरिंग की इब्तिदा करेंगे इंशाल्लाह। ये बोरिंग है, इससे कितने लोगों को फायदा पहुंचेगा? ये बोरिंग हम लोगों का ऐसा गोल है कि हम लोग इसको डिवाइड कर दे, मतलब ऑलरेडी जो बोरिंग है उससे आधे पट्टे में डिवीजन हो जाए और इससे आधे पट्टे में डिवीजन हो जाए, बाकी पीने की लाइन तो है। क्या नाम है आपका? यहाँ पर जो बोरिंग की शुरुआत की गई है, इससे आप लोगों को पानी की जो प्रॉब्लम थी बहुत सारी सहूलत हो जाएगी, पहले बहुत तकलीफ थी लेकिन अभी माशाल्लाह से सानी भाई की और मर्जिया खान की सही है, यहाँ पे पानी का भी हो चुका है आधे से ज्यादा और आधा तो समझो बोरिंग से आराम हो जाएगा, बहुत लोगों को आराम मिलेगा। आपका क्या नाम है आपका? और आज यहाँ पे सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट से मर्जिया शानू पठान द्वारा यहाँ पे पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन किया है, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? बहुत अच्छा है भाई, अभी तो बहुत अच्छा बदल गया है पानी का, अभी ये बोरिंग लग गया उससे तो और अच्छा हो जाएगा, सब सहूलत हो जाएगा। खाली ओके हो गया, चालू हो गया, सब समझो टेंशन खत्म। अभी पहला कुछ प्रॉब्लम ज्यादा नहीं था, बोरिंग था, वो खारा पानी होने के नाते थोड़ा पानी का तकलीफ हो गया था, मगर पानी का इंशाल्लाह कभी कमी नहीं हुआ, खारा वजह के नाते से थोड़ा तकलीफ हो रहा था, मगर ये बोरिंग हो गई ना उसके वजह से अब तकलीफ नहीं हुई। अच्छा, दूसरा बोरिंग बोरिंग किया गया है तो इसमें क्या खारा पानी आ रहा है? नहीं, इसमें मीठा आ रहा है, इसमें मीठा। देखो मैं आपको बताती हूँ, बहुत मीठा है, पीने लायक पानी है। हम लोग ने जो 2.5 साल पहले बोरिंग की थी उसको वो सीजनल इशू की वजह से, क्लाइमेटिकल चेंज जो कंटिन्यू हो रहा है, नहीं पहले अच्छा आया था, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा एक थोड़ा खारा पानी आ रहा था, वो हम लोगों ने लैब टेस्टिंग को दे दिया है, तो तब तक हम लोगों ने जब लोगों ने बोला कि वहाँ पे आ रहा था हमने फौरन नई बोरिंग कर दिया, जब तक कि वो सुधरे वो भी यूज में आ जाएगी ना, फिर वो भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी यूज में, तो पूरा ही प्रॉब्लम। बोरिंग तो 4-5 हो गई, ऐसा बोरिंग तो नहीं है।